गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आप ये देख रहे हो रोज़ कितनी बुरी कंडीशन हो रही है, धूप ही इतनी तेज़ पड़ रही है। अब क्या कर सकते हैं इसका, धूप को तो रोक नहीं सकते, मगर हाँ कुछ हम तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने प्लांट को धूप से बचाएं, थोड़े बहुत ठंडक दे दें धूप को, है ना, धूप से प्लांट को, गुलाबों को अपनी। तो सबसे पहले जब हम पानी लगाएंगे तो हम इस तरह से लगाएंगे, ऐसे करके देख रहे हैं आप, इस तरह से पूरे शावर करवा देंगे इन्हें, जैसे कि इसकी गर्मी को थोड़ी बहुत जो भी गर्माहट हुई है पूरे दिन झेलिए, वो इन्हें तसल्ली मिल जाए, इसे आराम मिल जाए, ठंडक मिल जाए थोड़ी सी। सिर्फ गुलाब को ही नहीं, सारे जितने भी प्लांट्स हैं आपके इस तरह से नहला दो, इस तरह से है। इससे होता क्या कि इन्हें थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है, एकदम से मिट्टी में पानी नहीं जाता। इस तरह से शावरिंग करवाने से ये भी होता है, अगर कोई कीट वगैरह लगे होते हैं ना तो उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाती है। इस तरह से ऐसे ऐसे गुलाब पे, खूब गुलाब की जो पंखुड़ियों में घुस जाते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, अभी आपने नोटिस किया होगा आपके छोटी छोटी सी कलियाँ होंगी उनके अंदर कीड़े घुसे होंगे, काली काली हो जाती हैं कि कलियाँ जो होती हैं या तो खिली नहीं पाएंगी, वो अंदर घुस के बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं कलियों को, कह रहेंगे। और दूसरा मैंने ये देखो बोरी लगा रखी है, आपने मेरे पहले वीडियो अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मेरी ये बोरियाँ इस तरह से भिगो देती हूँ मैं ऐसे करके। आप मॉर्निंग में जब पानी लगाने आओ तो आप इस तरह से भिगो के चले जाओ, देख रहे हो पूरी सूखी हुई, बिल्कुल सूखी हुई बोरियाँ हैं। और सोचा अगर इनकी सेफ्टी नहीं होती तो ये इन गुलाबों को और गुलाब के प्लांट की रूट जो होती है ना अंदर से, उनको और भी ज़्यादा गर्माहट मिलती है ना इस तरह से। और मैंने जगह जगह क्लिप लगा दी है, ये बंदर ने आके एक दो जगह से हटा दिए, तो सारी मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ बाहर के जो आगे आगे के प्लांट हैं उनमें। जैसे गुलाब की जड़ों को ठंडक मिले, क्योंकि गुलाब की जड़ होती है इसके गमले के अराउंड होती हैं, चारों तरफ घूमती हैं, और चारों तरफ घूमती है तो उसमें वही गर्माहट को पकड़ती है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, गर्म हो जाती हैं। और इन्हें आप गमलों के टाट की बोरियों को आप गमलों के नीचे भी बिछा सकते हो, मगर टाट के नीचे बिछाने से होता है ना हर समय सीलन रहेगी छत पे फिर, क्योंकि गमलों के नीचे की मिट्टी इस पर सूखेगी नहीं, और फिर सीलन लगी। ये देखो आप गुलाब देख रहे हो आप काला काला से बिल्कुल, ये कीड़ों की बदौलत है। और सिर्फ यही रीज़न था मैंने अपने गुलाब को ट्रांसप्लांट किया, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और जब रूट पानी नहीं ले पाती हैं, रूट अंदर से नीचे से रूट बाउंड हो गया तो रूट पानी नहीं ले पाती हैं, पानी नहीं ले पाएंगी तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, सूख के मर भी जाता है। ये देखो अब ये भी मैंने रिपोर्ट किया था इस वाली बड़ी वाली बकेट में, अब वो भी रिपोर्ट किया था, एक दो रिपोर्ट किया है और सभी अच्छे चल रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कलियाँ भी निकल आ रही हैं, भले को कीड़े काट दे रहे हैं पर कलियाँ आ रही हैं। देखिए और मल्चिंग भी आप मेरे देखो आप इसमें आपको धान की भूसी दिखेगी, देख रहे हो आप ये इस तरह से धान की भूसी है तो ये भी धान की भूसी भी सही रहती है मल्चिंग के लिए। आप चाहे तो सूखे पत्तों की, सूखे पत्ते आपके पास मिल जाए तो उसकी भी मल्चिंग कर सकते हो, प्लांट सारे गमले में चारों तरफ से बिछा दो, बस रूट के अराउंड एक दो इंच की छोड़ दो इससे फंगस ना लगे, और पानी खूब भर के दो इस तरह से गमले के नीचे से निकलने लगे ना लगे पानी, इस तरह से खूब भर भर के पानी देंगे पूरा। देखो आप मेरा तो पूरा भर जाता है पानी, उतना में पानी, क्योंकि गर्मी में बहुत पड़ रही है, हम लोग दो मिनट के लिए तो चार मिनट के लिए छत पर आते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है गर्मी में, तो प्लांट तो बेचारे पूरे दिन रहते हैं। मैंने जब इसकी मिट्टी देखिए आपको दिख रही है वो कितनी जल्दी से ऑब्जर्व किया, जरा सी देर में ऑब्जर्व करके सक कर लेती है और जितना ज़रूरत होती है उतना ले लेती है, बाकी छोड़ देती है मिट्टी, मतलब दलदली नहीं है, चिकनी मिट्टी नहीं है, इसमें भूसी रेत कोकोपेट ये सब चीज़ें डाल के मैंने सारे प्लांट की रिपोर्टिंग की, और जो नहीं कर पाई थी उन्हें मैंने अब कर दी। ये भी देखो इसमें भी पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये थोड़ी सी मिट्टी है, कोई भी प्लांट है थोड़ी मिट्टी होगी तो आपके प्लांट परेशान हो जाएंगे, तो इस समय तो आप यही कोशिश करो कि प्लांटर थोड़े से बड़े हो, 10 इंच से कम का कोई हो ना प्लांटर आपके गार्डन में। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि कोई छोटा प्लांटर रहे ना, क्योंकि फिर उन्हें पानी लगाने की भी दिक्कत हो जाती है, दो दो तीन तीन टाइम पानी लगाओ। अब तो मई जून जून की गर्मी तो और भी ज़्यादा चिलचिलाती हुई होगी,
इसलिए पानी का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा गर्मी से बचाने के लिए प्लांट को। सबसे अच्छा उपाय पानी का, खाद भी आप अभी बिल्कुल मत दो, इस समय अगर आपने खाद दे दी तो आपके प्लांट बिल्कुल जल के मर जाएंगे। देना ही है तो इसकी ठंडी खाद जो होती नहीं है लिक्विड फर्टिलाइजर, वो दो आप, वरना आप दो ही मत अभी। मेरी गुलदाउदी में देखो इतनी गर्मी में भी फूल खिल रहे हैं, तो मैं तो इन्हें कट कर दूँगी अभी, मैं नहीं रखूँगी, मुझे अभी गुलदाउदी नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रख। और प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहाँ मॉर्निंग की धूप मिले। अभी मुझे ये जो गुलाब मैंने लगा रखे हैं, और खाद आप अगर मस्टर्ड केक देना भी चाहते हैं तो शाम के टाइम, और मस्टर्ड केक का रेशियो बढ़ा के दो आप, मतलब मस्टर्ड केक भी कम ही दो। वैसे मैं तो देती रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर मैं रेशियो बढ़ा देती हूँ। जैसे सर्दियों में डालते हैं 8 एक कप डालते हैं सर्दियों में, तो गर्मियों में हम इसका रेशियो बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। जैसे सर्दियों में 8 एक कप डालते हो, जैसे 1 लीटर मस्टर्ड केक और 8 हिस्से पानी, तो अब आप उसको 16 हिस्से पानी कर दो और 1 हिस्सा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर डालो, तो आपका प्लांट ग्रोथ भी सही रहेगी और गर्मी भी नहीं रहेगी, जलेंगे भी नहीं आपके प्लांट। प्लांट को खाद अभी तो स्पेशली केमिकल खाद तो बिल्कुल भी ना दें, अगर केमिकल खाद दे दी तो डेफिनेटली आपके प्लांट डैमेज हो जाएंगे, फिर आप दुखी होते रहोगे कि ये मैंने क्या कर दिया, और फिर बाद में कुछ नहीं होता। कहते नहीं है अपस्थाई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो जब आपके प्लांट मर जाएंगे तो आपको दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी आप केमिकल खाद बिल्कुल भी मत लगाओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दो केमिकल खाद को। ये मैंने धनिया बोया है अभी, देखो कल ही बोया था शायद, मैं हाँ कल बोया था ये धनिया, तो आज पानी सुबह में लगाया था वो दिन भर में सूख गया बचाने के लिए। अभी गुलाब में क्या किसी भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो आप टेंशन मत लो, अभी तो कोविड जैसा हाल है कि जान बचाना ज़रूरी है, जहाँ तो फिर भी बना लेंगे, है ना। अब ये है, इसमें अगर मैं ये कलियाँ, ढेरों कलियाँ निकल रही हैं देखो आप ये, और अगर मैं इनमें इनकी केयर नहीं करूँ तो इसमें सब कीड़े घुस जाएंगे, और कीड़े घुस जाएंगे तो सब खा जाएंगे, तो इसलिए हमें इस तरह से शार्पनिंग करती रही। देखो ये इसमें भी कैटरपिलर लग गया है, ये देखो पत्ते सब खा गए हैं, जबकि मैंने कल इस पर स्प्रे किया था तब ये हालत है। ये भी देखो इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, जो मैं रिकॉर्ड किया था। ये भी तो आप ही मत सोचो प्लूमेरिया में पानी लगाए नहीं लगाए, लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो इसकी ये सारी जलने लगेंगी, काली हो जाएंगी जल जल के। देखो आप, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये है, ये काली होने लगी जल जल के, तो जो भी इसकी जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो सब ख़त्म हो जाएगी अगर पानी नहीं लगाओगे तो, है ना। ये प्लूमेरिया में पानी लगाने को नहीं लगाया जाता है, लगा दो अभी, जब मिट्टी सूख जाए तो लगाना ज़रूरी हो जाता है। यह अडेनियम है, इसकी कटिंग लगाती है, अगर नहीं लगाएंगे तो इसमें भी ये बिल्कुल सूख के बेकार हो जाएंगे। ऐसे कर लेंगे जैसे कि हमारी धनिया की जो स्प्राउटिंग शुरू हुई है वो गिरे ना इस तरह से, और कोशिश करो इसके अराउंड लगाओ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे इसमें होगी सॉफ्ट सॉवरिंग, क्योंकि हमें इसमें कीड़े तो लगे नहीं होंगे, हमें सिर्फ इसमें पानी लगाना है, इस तरह से सॉफ्ट सॉवरिंग करेंगे हम। और जो स्पेशली छोटे छोटे प्लांटर उनमें तो आप दो बार पानी लगाओगे तभी चल पाएंगे। देखो ये कोलियस है, इसमें सुबह पानी लगाया और शाम को ये सूखने लगा है, कितने मुरझा गया है, इसके पत्ते लटक गए हैं, तो इसलिए हमें जो छोटे प्लांटर हैं, पहली बात आप छोटे प्लांटर रखो ही मत अभी गर्मियों में, जितने भी छोटे प्लांटर हैं वो सब ख़त्म कर दो। ये सर्दियों में तो छोटे प्लांटर में फ्लावरिंग हो जाती है, चल जाते हैं, पानी कम लगता है, मच्छर होता है वेदर में, मगर जो बड़े गमले होते हैं उनमें सही रहता है गर्मी में, छोटे छोटे तो आप इतने बड़े बड़े ख़त्म कर देगी। गर्मी से बचाने के लिए इस तरह से आप मटकी में या बाल्टी में, जैसे अब यहाँ पे इसके अराउंड पानी भर के रख दिया, यहाँ पानी भर के रख दिया, ऐसे इस मटकी में पानी भर के रख दिया, तो ये भी इवेपोरेट होके पौधों को थोड़ी ठंडक पहुँचाता रहता है, या ये कि मेरा टब भरा रहता है हर समय पानी का, तो इस तरह से बचाना भी आसान है अपने प्लांट को। और ये प्याज के छिलकों भी मल्चिंग कर सकते हो आप इस तरह से, जो भी आपको लगता है प्लांट आपको बहुत जल्दी सूखता है तो उसमें इस तरह से आप मल्चिंग भी कर सकते हो इस प्याज की, जिससे आपके गमले को पेस्टिसाइड का भी
फायदा मिलेगा, और जो भी इसमें जो नीचे इसमें कीड़े जो रोग जन मिट्टी जनित जो कीड़े होते हैं उनसे इसके प्रोटेक्शन होगा इस प्लांट का, इस तरह से मल्चिंग भी हो जाएगी इस तरह से। और मिट्टी गर्म होती है और आके उसमें आप ठंडा ठंडा पानी डाल दोगे तो सिंपल सी बात है, जैसे बहुत तेज़ी से नुकसान होगा आपके प्लांट को, सर्दी गर्मी जैसे हम लोगों को नहीं हो जाती सर्दी गर्मी, उसी टाइप से ही प्लांट को भी हो जाता है। आप आके एकदम से ठंडे गर्मी में गर्म मिट्टी में एकदम से आप पानी डाल दो तो भपका निकलता है, जैसे एकदम गर्माहट निकलती है। तो आप इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हो, वरना तो यही होगा कि प्लांट फिर गर्मी सर्दी गर्मी से मर जाएंगे, जैसे हम लोग को नहीं होता सर्दी गर्मी हो जाती है एकदम से, धूप में आओ पानी पी लो तो खांसी जुकाम हो जाता है। और इसमें भी देखो मैंने इसमें मैंने मेरी मिट्टी कितनी पोरस है, इस टाइप की मिट्टी रखो जो आपके पानी को होल्ड पकड़ के तो रखे, होल्ड तो करे मगर किचड़ी कीचड़ जैसी ना हो, किचकिच ना हो पानी में। देख रहे हो आप अभी पानी डालो तुरंत निकलने लगा पूरा पानी से, ठीक है आपको जैसे मैंने डाला पानी तुरंत निकलने लगा, इस टाइप की मिट्टी रखो। मगर गर्मियों में थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए मिट्टी जो थोड़ा सा पानी को रोक के रखे। अगर आप मिट्टी को बिल्कुल सूखा कर दोगे, पानी बहुत ज़रूरी है मिट्टी को बिल्कुल सूखा कर दोगे तो उसकी कीट का अटैक बहुत जल्दी होता है सूखे प्लांट में, मरने वाले प्लांटों में। अगर कोई कीड़े वगैरह की समस्या है तो भी आप कोई केमिकल मत छिड़को, आप होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उनका लिक्विड बना के छिड़क दो, जिससे आपके प्लांट को पोषण भी मिले और कीट भी दूर भागे। प्लांट को आप चाहो तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं मिलता है तो इस तरह से जैसे टाट की बोरी लेके अब बीच में होल टाइप का बना लो, इतना बड़ा होल बना के, और यहाँ से तो ऐसे कर कट करोगे ही, फिर ऐसे फैला के ऐसे लगा दो जिससे पानी भी रुका रहेगा, होल मॉइस्चर भी ठंडा रहेगा, मॉइस्चर भी बना रहेगा, ठंडक भी रहेगी पानी की। और जो गर्मियों के प्लांट हैं अब जैसे सब्जियाँ वगैरह हम लगा रहे हैं तो हम उन्हें हम इस तरह से रखेंगे जिस तरह से तो पूरे दिन की धूप पड़े, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ऐसे ये बरबीना है, ये बरबीना मैंने इस साइज में रखा है इस अंदर को ऐसे करके, तो इसमें धूप भी नहीं पड़ती है और ऐसा भी नहीं कि हाँ ये जल जाएंगे प्लांट या फंगस लग जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आप मल्चिंग ज़रूर कर दो, कुछ नहीं मिले तो आप न्यूज़पेपर के टुकड़ों से कर दो मल्चिंग, मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है। मल्चिंग का न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं या गत्ते की पेटी के टुकड़े हैं वो डाल दो ऊपर से। देखो ये भूसी ही मिलेगी, देखो आप है ये भूसी, सब में भूसी मिलेगी आपको। तो सबसे अगर आपके आसपास फ्री में मिलने वाली इजी टू यूज़ है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अभी तो अगर ड्रिप सिस्टम हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, दिन भर अपने पानी चलता रहे थोड़ा थोड़ा और प्लांट्स को मिलता रहे। अगर आपके मल्चिंग में आपके लिए कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप ऐसा करो, अगर आपके पास कंपोस्ट है या गोबर की खाद है तो उसकी एक लेयर ऊपर से बिछा दो खाद की। और जो अगर आपने सीडलिंग वगैरह जो बाल से मैंने अभी आठ दिन पहले डाले थे, देखो बाल ये सारे सीड ग्रो, तो अगर आपने सीडलिंग तैयार कर रखी तो उसमें भी आप पानी डालो वरना ये बिल्कुल मर जाएंगे, सीडलिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और अपनी सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज करो, नहीं जैसे साइड में है मेरे ये सनफ्लावर लगा रखा है मैंने, ये मेरा नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड है इस साइड में, तो ये नॉर्थ में पूरी साउथ की पूरी धूप मिलती है, पूरे दिन की धूप इस साइड में मिलेगी, तो इस साइड में ऐसे प्लांट लगाओ जो पूरे दिन की धूप मिले। आप अपने प्लांट को सेट करते हैं उनकी मल्चिंग करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपके प्लांट मर जाए, मगर ये भी ध्यान रखिएगा कहीं आपके एयर के चक्कर में पूरा पानी से भरते ना रहें, वरना फिर फंगस लगने का डर रहेगा, क्योंकि हर समय पानी भरा रहेगा और हर समय मॉइस्चर रहेगा तो आपके प्लांट में फंगस लगने का भी डर रहेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, जब टॉप लेयर इसकी सूख जाए तभी आप पानी दो, स्पेशली जो इंडोर प्लांट है उनमें कम पानी दो। पता चले आपको कि मैम ने बताया है इसलिए मैं ढेर सारा पानी भरते रहें, इंडोर प्लांट में भी भरते हैं तो उससे आपके प्लांट मर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलती हुई, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।